क्या भूत पर मानते हैं या नहीं मानते, जो भी है ये आपकी मर्जी। लेकिन आज मैं एक ऐसे जगह के बारे में बताना जा रहा हूँ जहाँ पर लोगों ने कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस किया है। आज की कहानी है कोलकाता का टॉप 500 प्लेसेस की, कोलकाता जो सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाती है, लेकिन पैरानॉर्मल के एक्सपीरियंस की वजह से भी ये काफ़ी फेमस है। नंबर 5 पर आती है उल्प्रो ऑफिस, जो एक आईटी कंपनी है। कोलकाता का सॉल्टेक पर लोकेटेड है ये कंपनी। ये कंपनी कब्रिस्तान के ऊपर बनाया हुआ है। कहा जाती है जो भी लोग रात में काम करती है उन्होंने टावर 3 के 3rd फ्लोर पर कुछ अजीब परछाई देखी है, जिसकी वजह से 3rd फ्लोर बंद कर दिया गया है। उस कंपनी के गार्ड ने भी कहा है रात में कुछ अजीब आवाज़ आती है वो 3rd फ्लोर से। नंबर 4, रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन, जो कि कोलकाता का सबसे बिजी मेट्रो स्टेशन में से एक है। सबसे ज़्यादा सुसाइड उसी मेट्रो स्टेशन में से होती है। कहा जाती है मेट्रो स्टेशन में कई सारी पैसेंजर ने कुछ शैडो मूवमेंट होते हुए देखा है। एक बार एक मेट्रो ड्राइवर ने बीच रास्ते पर ही मेट्रो का ब्रेक मार दिया है, इसकी वजह से उसको सस्पेंड भी किया गया था। लेकिन और बाद में कहती है वो ड्राइवर एक लाइन पर एक लोग को खड़े रहते हुए देखा है। नंबर 3 पर आती है पुतुल का घर, यानी डॉल हाउस। 100 साल के पुरानी है घर, नॉर्थ कैलकाटा में लोकेटेड है। कहा जाती है इस घर के 1st फ्लोर हॉन्टेड है। अंधेरा होने पर वहाँ से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। जो लोग निचले हिस्से में रहती है वो लोग कभी सूरज डूबने के बाद से ऊपर नहीं जाती। नंबर 2, हावड़ा ब्रिज, कोलकाता का सबसे फेमस जगह में से एक है। उस जगह का लोकल लोग ये कहती है गंगा से एक हाथ निकलती है, ऐसा लगता है जैसे कोई डूब रहा है और बचने के लिए हाथ दिखाता रहती है। कुछ लोगों का ये भी कहना है घाट पर एक औरत सफ़ेद साड़ी पहनकर लोगों को डाकती है ब्रिज में से, और जो भी लोग जाती है उसको बचाने के लिए उसको मौत हो जाती है। और नंबर 1 पर आती है नेशनल लाइब्रेरी, इसका नाम तो आप जानते ही है। ये इंडिया का टॉप फेमस लाइब्रेरी में से एक है। इस लाइब्रेरी वाइड कलेक्शन ऑफ बुक और पब्लिकेशन के लिए फेमस है। और भी फेमस होने की इसका वजह है इसका हॉन्टेड कहानियाँ। ब्रिटिशर्स के टाइम पे बनाया गया था ये लाइब्रेरी, जो कि उस टाइम का गवर्नर जनरल था चार्ल्स मेटकाफे। कुछ लोग कहते हैं जब वो किताबें पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में बैठती है तब वो कुछ होने का एक्सपीरियंस करती है, और ये भी कहती है उसके पीछे कोई रहता है जो कंटिन्यूसली उसको फॉलो करती रहती है। और लोगों की ये भी कहना है कोई चलते रहते हैं वहाँ पर और बातें करते हैं जब सुनसान हो जाती है लाइब्रेरी, ऐसे एक्सपीरियंस किया है उन्होंने। लोग कहते हैं चार्ल्स मेटकाफे का वाइफ का आत्मा आज भी घूमते हैं उस लाइब्रेरी में। दोस्तों ये था आज का इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। और भी इस तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल वायरल फैक्ट्स का सब्सक्राइब वाले बटन ज़रूर दबा देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक, कमेंट्स और वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद।